गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो ओके, तो हमने लास्ट जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था, लाइक इंटरैक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड, देन वेरिएबल्स, उसके डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स को हमने देखा था कि वी आर हैविंग ये फोर टाइप्स ऑफ डेटा, फाइन, लाइक नंबर्स भी हो सकता है, सीक्वेंस, नन, सेट्स एंड मैपिंग्स। और नंबर्स के अंदर हमने उसको डिटेल में स्टडी किया था, लाइक आप इंटीजर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लोट को कैसे डिफाइन करते हैं। सो ये सारा आपको क्या रहता है, नंबर्स के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड करने वाले हैं आज, जिसमें डेटा टाइप्स रहेगा सीक्वेंस। और सीक्वेंस में हमारे पास तीन कैटेगरीज है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड टपल्स। तो स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स को हम देखने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपने क्लास 11 में वैसे पढ़ी हुई है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका सिर्फ शॉर्ट एक ब्रीफ बोल सकते हो कि एक यू नो रिविजन कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स है उसमें मूव ऑन करने से पहले आपकी ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स में बात करते हैं आज, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट के ऊपर। ओके, सो पाइथन स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट, ये भी वापस आपके डेटा टाइप्स हैं, जिसमें स्ट्रिंग हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो स्ट्रिंग बेसिकली इज़ अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स ना। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी नो, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग नाम लिया है पूजा। ओके, सो इसमें पी क्या है, एक कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, देन ओ जे ए, तो इन सारे कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलके हमारा क्या बन रहा है, स्ट्रिंग बन रहा है ना। मैं इसको थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि आपने पढ़ रखा है। ओके, सो हाँ, सो स्ट्रिंग्स आपको हुआ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्ट्रिंग्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स को जैसे भी आपने लिखा, लाइक मैंने लिखा पूजा, तो या तो आप उसको सिंगल कॉट में रखेंगे या फिर उसको किस में रखना पड़ेगा, हमको डबल कॉट में रखना पड़ेगा, फाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि स्ट्रिंग्स जो होती है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल हम क्यों बोलते हैं स्ट्रिंग्स को, बिकॉज एक बार स्ट्रिंग आपने जैसे ही डिफाइन कर लिए, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। सपोज़ आपने लिखा वेरिएबल ए लिया है, ए इक्वल्स टू आपने स्ट्रिंग बनाया है पूजा, फाइन। तो अब वो जो स्ट्रिंग, जो उसका एड्रेस है ना, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, मेमोरी के अंदर, कि पूजा जो है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, फाइन। अब आप दूसरे सेकेंड वेरिएबल, सेम वेरिएबल लेते हैं ए, और उसके अंदर नई स्ट्रिंग डालते हैं, सपोज कल्पना आपने डाल दिया। ओके, तो क्या होगा कि वो ए जो है, कल्पना जो है, पूजा को ओवरराइट नहीं कर रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक दूसरे एड्रेस में जा रहा है। सपोज़ एक एड्रेस है आपका 201, वहाँ पे नाम स्टोर हुआ है पूजा, ए वेरिएबल में जो स्टोर है। वैसे ही अब आप जब कल्पना डाल रहे हो, तो पूजा को हटा के वो कल्पना ओवरराइट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे एड्रेस में जाके एंड देन दूसरी मेमोरी, दूसरे एड्रेस पर जाके उस कल्पना नाम को स्टोर करेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं स्ट्रिंग्स को, इम्यूटेबल, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार असाइन करने के बाद आपका जो दूसरा नेम होगा वो दूसरे एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, सेम प्लेस पे नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग। ओके, सो स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, आपने एरे पढ़ा है, अच्छा एरे आपने सुना नहीं होगा। स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग बेसिकली हम कैसे करते हैं, सपोज मैंने पूजा स्ट्रिंग दिया है वेरिएबल ए के अंदर, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना। तो इंडेक्सिंग कैसे होती है कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इंडेक्सिंग करता है। तो इंडेक्सिंग का मतलब हुआ कि इसकी लोकेशन, तो पी को ये स्टार्टिंग करता है जीरो से, तो इसकी इंडेक्स क्या हुई, पी की जीरो, फिर आगे ओ की क्या हो जाएगी, वन, देन नेक्स्ट की क्या, ओ की क्या होगी, टू, देन थ्री एंड देन फोर। तो इस तरीके से ये इंडेक्सिंग करता है इसकी। ओके, सो इनकी इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम इन कैरेक्टर्स को फैच कर सकते हैं, तो ये इसके इंडेक्सिंग का तरीका होता है। इसके साथ में जो दूसरी लैंग्वेजेस होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनमें इंडेक्सिंग सिर्फ वन वे होती है, लाइक आप इसको ऐसे करेंगे तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इसी डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करेगा। लेकिन पाइथन एक हमें एक एडवांस चीज़ प्रोवाइड करता है, उसमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग जो है आपकी रिवर्स भी हो सकती है, लाइक आप इंडेक्सिंग इसके बैक साइड से भी कर सकते हो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। ओके, सो सपोज़ आपको क्या करना है, सी का अगर दूसरे लैंग्वेज का अगर कोई प्रोग्राम होता और आपको ये सपोज़ इंडेक्स जो है रिवर्स से आपको प्रिंट करनी होती, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड लगाना पड़ता, रिवर्स के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ता, देन आपकी स्ट्रिंग रिवर्स होती। बट पाइथन में अगर आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप यहाँ पे जो लूप चलाएंगे वो बैक साइड से चला लीजिए, है ना, तो आपकी स्ट्रिंग जो है रिवर्स हो जाएगी। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि ये वन वे, लेफ्ट टू राइट, और दूसरा जो है, आई मीन नॉट वन वे, टू वे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दोनों ही इंडेक्सिंग हमें प्रोवाइड करता है, क्लियर। और ये आगे हमें बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इसका, अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर फैच करना है, सपोज मुझे पी प्रिंट करना है, तो मैं इसको कैसे करूँगी,
इसकी इंडेक्सिंग करते हैं हम जिस वेरिएबल में हमने डाला है, पूजा जो हमने ए के अंदर डाला है, तो हम लिखेंगे ए वेरिएबल का नाम और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अंदर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंडेक्स नंबर। ओके, सो इंडेक्स नंबर पी कौन से प्लेस पे है, ज़ीरो पे ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए ज़ीरो। ओके, तो ए ज़ीरो करके आप एंटर करोगे तो आपका क्या फैच हो जाएगा, पी। ये हमारा इंडेक्सिंग। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रिंग्स स्लाइसिंग। ओके, सो स्ट्रिंग्स स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी तो हम क्या करें, इंडेक्सिंग के थ्रू कोई भी एक अल्फ़ाबेट, एक कैरेक्टर को ही हम फैच कर पा रहे हैं। अब सपोज़ आपको ऐसा चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज को फैच करना है ना, कि मुझे चाहिए पी से जे तक के सारे कैरेक्टर्स को मैं फैच कर पाऊँ, तो उस रेंज को पूरा, यानी आप एक स्लाइस की स्लाइस उठाना चाह रहे हो कैरेक्टर्स की पूरी, है ना, तो उस रेंज को फैच करने के लिए हम स्लाइसिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सपोज़ मेरे को स्टार्ट करना है ज़ीरो से और मुझे जाना है यहाँ पे जे तक, तो हम पहले इंडेक्सिंग देखेंगे पी की है ज़ीरो, फिर वन, फिर टू और फिर थ्री, यानी मुझे ज़ीरो से थ्री तक फैच करना है। ओके, तो हम स्लाइसिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये एक मिनट है, हाँ, तो ये आप नीचे देखिए सिंटेक्स, ए स्टार्ट एंड एंड स्टेप साइज। तो ए आपने लिखा, फिर स्टार्ट के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, कहाँ से इंडेक्सिंग चालू करनी है, तो हमें स्लाइस जो उठानी है पी से स्टार्ट करनी, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, इंडेक्स नंबर स्टार्ट के प्लेस पे ज़ीरो, और हमें एंड कहाँ तक जाना है, हमको जे तक जाना है, तो क्या मैं यहाँ पे थ्री लिखूँगी। ये जो स्टार्ट होता है वो तो होता है इंक्लूसिव, जिसको हम बोलते हैं, ये तो अगर हमने ज़ीरो लिखा है तो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, लेकिन जो एंड होता है वो होता है एक्सक्लूसिव, यानी यहाँ पे एंड पे जो फ्लाई आप नंबर लिखते हो ना, ये उसमें से एक कम तक रीड करता है, समझ में आई मेरी बात। सपोज़ आपने लिखा फोर, तो ये कहाँ तक रीड करेगा, थ्री तक रीड करेगा। आपने लिखा थ्री, तो कहाँ तक रीड करेगा, टू तक रीड करेगा। फाइन, अब क्लियर, अभी हम इसको करके देख लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट है आपका स्टेप साइज। स्टेप साइज़ क्या रहता है, लाइक आपको एक ही एलिमेंट छोड़ना है या दो एलिमेंट छोड़ना है, ये ऑप्शनल होता है। आप अगर नहीं भी लिखोगे तो स्टार्ट एंड जितना भी कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे एक एक कैरेक्टर छोड़ के फैच करना है, लाइक पी फैच किया, फिर ओ को छोड़ा, फिर ओ किया, फिर जे को छोड़ा, फिर ए किया, तो आप स्टार्ट एंड रेंज लगा के स्टेप साइज डाल दो, तो वो ऑल्टरनेट आपको कैरेक्टर्स फैच करके देगा। ओके फाइन, ओके, सो नेक्स्ट हम स्ट्रिंग्स के बाद मूव ऑन करते हैं स्ट्रिंग्स ऑपरेटर्स पे। ओके, सो अगर जैसे मैंने आपको एक वीडियो जो भेजी थी मेरी फर्स्ट, उसमें आपने ध्यान से देखा हो तो हमने इनपुट कमांड के अंदर किया था, एक बार इनपुट किया था हमने नंबर, और उसके आगे हमने लिखा था इंट, याद है। ओके, तो अगर मैं इंट लिखती हूँ इनपुट कमांड के आगे, तो जो भी मैं नंबर ले रही हूँ वो किस टाइप का मिलेगा मुझे, इंटीजर टाइप का। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लिखते, सपोज़ मैंने लिखा इनपुट और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके, और मैंने उस इनपुट कमांड के आगे इंट स्ट्रिंग डेटा टाइप कुछ भी नहीं लिखा, अगर हम इनपुट कमांड जो हम लिख रहे थे उसके आगे अगर कोई भी डेटा टाइप यूज़ नहीं करते, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग समझता है। क्लियर, ओके, सो स्ट्रिंग में जैसे कि मैंने एंटर किया है नंबर वन, ओके, फिर सेकेंड नंबर एंटर किया सपोज़ मैंने टू, और मैंने उसमें इंट नहीं दिया है, वो स्ट्रिंग टाइप ही है, तो वो वन प्लस टू हमने उन दोनों नंबर्स को जब ऐड किया, अगर हम स्ट्रिंग के टाइम कोई दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, उन दोनों को ज्वाइन कर देता है। क्लियर, ज्वाइन करने का मतलब हुआ कि जैसे मैंने लिखा हेलो प्लस हेलो, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो ये मुझे कैसे देगा, दोनों को ज्वाइन करके हेलो हेलो, यस। अगर मैंने लिखा टू प्लस टू, तो ये क्या करेगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा, ऐड नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग्स है, तो ये लिखेगा टू प्लस टू को टू टू, ट्वेंटी टू। क्लियर, वैसे ही हमारा नेक्स्ट होता है स्टार ऑपरेटर, जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई करो, सपोज आप लिख रहे हो हेलो इंटू टू, तो ये क्या करेगा, हेलो को टू बार प्रिंट करेगा। अगर आप लिखते हो हेलो इंटू थ्री, यानी हेलो को कितनी बार प्रिंट करेगा, कितनी बार रेप्लिकेट करेगा, थ्री टाइम्स, जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम ये इसको रेप्लिकेट करेगा। क्लियर है, ओके, सो ऑपरेटर्स के बाद हमारे ये कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। ओके, ये भी हमने पढ़ लिए, स्टिल एक बार हम देख लेते हैं। इज़ अल्फ़ा, इज़ डिजिट, इज़ लोअर, लोअर अपर, इज़ अपर, एल स्ट्रेप, आर स्ट्रेप, ठीक है, ये सारा मैं आपको डायरेक्टली करके ही दिखा देती हूँ ताकि हम एक ही बार में समझ जाए, पूरा हमें करना नहीं पड़े। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, सपोज देखिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है ए इक्वल्स टू दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, इसके आगे थोड़ी सी स्पेस डाल देती हूँ, ये मेरी हो गई स्ट्रिंग। ओके,
अब मैं ए प्रिंट कर रही हूँ, देखो आगे मेरी स्ट्रिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। ओके ये देखिए वेरिएबल के अंदर मैंने कौन सा टाइप दिया है इसमें, ये क्या इसको लेगा, स्ट्रिंग टाइप, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ओके अब इसके अंदर जो मैंने अभी जस्ट आपको इंडेक्सिंग बताई थी, सपोज़ मुझे इस पूरे में से जो भी मेरा थ्री या फोर पे जो लेटर है वो मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, थ्री, क्लियर। सो ए जो ए के अंदर जो स्ट्रिंग है उसके थर्ड प्लेस पे जो कैरेक्टर है वो मुझे चाहिए, तो ये मैंने एंटर किया, आ गया एस। क्यों, देखो 0, 1, 2 एंड एस किस पे आ रहा है, 3 पे, तो मेरा आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, 3 पे क्या आ गया हमारा, एस। ऐसे ही मुझे अब चाहिए कि मुझे एक स्लाइसिंग करनी, लाइक मुझे एक टी से लेके एम तक के लेटर्स को फैच करना है, तो हम ए के अंदर अभी हमने सिंटेक्स देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से करना है, टी से, मतलब 0th इंडेक्स से, तो 0 नंबर डाला, फिर हमें लगाना है कॉलन, फिर हमें कहाँ तक जाना है, एम तक जाना, तो एम कौन से नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये ब्लैंक स्पेस होता है ना ये अपना, इसको भी एज अ करेक्टर रीड करता है, क्लियर, तो इसको भी काउंट करेंगे, तो टी हुआ 0, फिर एच 1, 2, 3 देन 4, देन 5, 6, 7 और एम कहाँ पर आ रहा है, 8 पर, तो हम M तक हमें जाना है ना, तो हमने अभी देखा था हमें एक एक्स्ट्रा लेना रहता है ना, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 9, 0 to 9, तो 0 से स्टार्ट होगा और 9 से पहले पे ख़त्म होगा, यानी 8 पे, हमें 8 तक चाहिए। अब हम इसको एंटर कर दें, आ गया देखो THIS स्पेस S स्पेस M, तो M तक इसने हमको कैरेक्टर्स फैच करके दिए, तो ये हमने क्या करी, स्लाइसिंग करी। अब हम वो सारे फंक्शंस जो है वो भी यहीं पे देख लेते। देखो पहली चीज़ तो ये कि फंक्शंस जो होते हैं ना, हम हमेशा क्या करते हैं, फंक्शन के आगे हमेशा पैरेंथेसिस आते हैं, फंक्शंस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शंस आप किसी भी फंक्शन की बात करो, जो भी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पाइथन में प्रोवाइड होते हैं, वो सभी हमेशा आपके पैरेंथेसिस के साथ आते हैं, क्लियर है। ओके सपोज़ मुझे अभी हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, सपोज़ मैं फर्स्ट फंक्शन इज़ अल्फ़ा की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम इज़ अल्फ़ा फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो मुझे इज़ अल्फ़ा फंक्शन किस पे लगाना है, इस वाली स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग किसके अंदर है, वेरिएबल ए के अंदर, तो फंक्शंस हमेशा डॉट ऑपरेटर के साथ लगता है, तो हम लिखेंगे ए के ऊपर लगाना है डॉट, कौन सा लगाना है, इज़ अल्फ़ा, ठीक है। और अभी मैंने बताया फंक्शंस हमेशा दे आर फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस, हमेशा पैरेंथेसिस आता है सारे फंक्शंस के साथ, क्लियर। और देखो अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, हमें पता है यहाँ पे लिखा इज अल्फा, यानी कि इज का मतलब हम बोलते ना इज शी डूइंग वर्क, इज शी प्लेइंग, तो इसका आंसर आप कैसे बोलोगे, या तो यस या फिर नो, इज मतलब आपसे कोई पूछ रहा है क्या, यस या फिर नो, आंसर ऐसे ही दोगे आप। सो इज अल्फा, क्या ये सारे अल्फाबेटिक नंबर है, किसके लिए पूछ रहा है, ए के लिए, ए के अंदर कौन है, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, तो अब ये देखो क्या ये सारे अल्फाबेट्स है, यस ओके, बट आपको आंसर फिर भी मिलेगा फॉल्स, व्हाई, बिकॉज इसमें स्पेस भी थी ना, है ना, ब्लैंक स्पेसेस भी थी, इसलिए इसने बोला ये सारे अल्फाबेट्स नहीं है, इसमें ब्लैंक स्पेस भी है, स्ट्रिंग जो है जैसे अल्फाबेट्स को कंसिडर करता है वैसे ब्लैंक स्पेस को भी कंसिडर करते हैं। ओके अब देखिए हम एक और दूसरा फंक्शन यूज़ करते, सपोज उन्होंने लिखा ए डॉट इज अपर, क्या अपर फंक्शन क्या कर रहा है, अपर मतलब अपर केस लेटर्स, ये चेक कर रहा है कि क्या सारे अपर केस लेटर्स हैं, फंक्शन है तो हमने पैरेंथेसिस लगाना है, और एंटर करा, फॉल्स, क्यों हुआ, क्योंकि सारे अपर केस लेटर्स नहीं है। ओके अब मैंने बोला कि ए डॉट इज लोअर, ये अब चेक कर रहा है लोअर केस लेटर्स, क्या ये सारे लोअर केस लेटर्स है, एंटर, सो आंसर इज ट्रू बिकॉज दीज ऑल आर द लोअर केस लेटर्स, क्लियर। ओके सो इसी तरीके से हमें सारे फंक्शंस अपने यूज़ करने हैं, उसमें और क्या फंक्शंस थे, एक था देखिए इसमें इज वाले तो हमने क्या सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर आएंगे, ये सिर्फ चेक करता है, उसके अलावा हम लोअर अपर एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप भी देख लेते हैं। अब सिर्फ अगर आप लिखते हैं ए, आप लिखते हैं ए डॉट लोअर, तो ये क्या करेगा, फंक्शन है तो अगेन पैरेंथेसिस, एंटर। ओके सो इसने क्या किया, सारी स्ट्रिंग को कौन से लेटर्स में कन्वर्ट कर लेता है, ये लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर लेता है। अगर मैं लिखती हूँ ए डॉट अपर एंड पैरेंथेसिस, अब ये क्या करेगा, सबको इसने क्या कर दिया, अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके लोअर केस तो ये ऑलरेडी था, तो हमने अपर लगा के देखा, इसने इन सबको क्या कर दिया, अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं ए डॉट इज अपर, क्या ये सारे अपर केस लेटर्स है, जो हमने पहले किया था फॉल्स आया था, अब ट्रू आएगा,
वाई इट इज़ नॉट ट्रू कि स्ट्रिंग वही है, हमने ऊपर स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया. ओके क्योंकि हमने स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे उसका आउटपुट एक बार यूज़ करने के लिए इसको अपर किया है, बट अभी तक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं किया. स्ट्रिंग तो हमारा ए वही है अभी भी, क्लियर. हमने असाइनमेंट चेंज नहीं किया है, सो हमारा फॉल्स ही रहेगा आंसर. उसके बाद हम एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप समझ लेते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि इतना यूज़ नहीं आता है. एल स्ट्रिप क्या करता है, देखो आपकी स्ट्रिंग में जो भी लेफ्ट साइड पे अगर स्पेस होती है डबल कॉट्स और जो फर्स्ट कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है इस प्लेस पे जहाँ मेरा कर्सर है, ओके यहाँ पे अगर कोई स्पेस होती है तो लेफ्ट स्पेस को ये रिमूव कर देता है. वैसे ही अगर राइट साइड में कोई स्पेस है, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस रखी ना, यहाँ पे ये स्पेस है, तो इसको ये रिमूव कर देता है आर स्ट्रिप. अगर लेफ्ट साइड से आपको स्पेस रिमूव करनी है एक्स्ट्रा स्पेस तो हम यूज़ करते हैं एल स्ट्रिप, और राइट साइड से करनी है रिमूव तो हम क्या लिखते हैं आर स्ट्रिप. ओके सो हमने क्या एल डॉट, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने स्पेस रखी इसलिए मैं राइट हैंड साइड का कर रही हूँ आर स्ट्रिप, ए डॉट आर स्ट्रिप. ओके एंटर, देखिए चली गई ये स्पेस. ओके यानी इसने राइट हैंड साइड से यहाँ की जो स्पेस है इसको हटा दिया. अब हमारा आउटपुट कैसा आएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास विदाउट स्पेस. फाइन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ओ आर डी एंड कैर रहता है. ये बेसिकली क्या करता है, देखो इसमें ये रन नहीं होगा बिकॉज ये मेरा पाइथन मैक में पुराना वर्जन है, दूसरा इसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अपडेटेड नहीं है इसलिए. तो मैं इसको वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो जो कैर करता है ना उसका इन्वर्स ओ आर डी करता है, ठीक है. सपोज़ मैं यहाँ पे एक बार लिखती हूँ, रन तो नहीं होगा बट लिख देती हूँ. आपने लिखा कैर और आप इसके अंदर लिखते हैं कैपिटल सॉरी 65. ओके ये क्या होते हैं कि आपने ASCII कोड के बारे में सुना है ओके ASCII, इसका प्रोनंसिएशन सारे टीचर्स डिफरेंट तरीके से करते हैं, कोई ASCII बोलता है कोई ASCII बोलता है ना, तो बेसिकली मैं इसको ASCII बोलती हूँ और बाकी जो भी आपने सुना हो. सो ASCII कैरेक्टर्स जो होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके सो ये इसमें जो रूल्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, इसमें कुछ लेटर्स है जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इन सब की कुछ नंबरिंग फिक्स है, क्लियर. जो कैपिटल ए को ये रीड करता है 65 नंबर, यानी अगर आप उसको कैरेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो ए बी सी डी लिखेंगे, और वही उसी की प्लेस पे आपको अगर इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो आप क्या करेंगे, कैपिटल ए को जब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या वैल्यू लेता है 65. इन सब की वैल्यूज़ डिफाइंड है, हमें याद नहीं रखनी है, जस्ट एग्जाम्पल दिया है, ऐसे काम नहीं आएगी आपके. आपको कभी कोड में रिक्वायरमेंट होना तो इसलिए ये दोनों फंक्शंस आपको गिवन होते हैं ओ आर डी एंड कैर. अगर आपको नंबर पता है और अल्फ़ाबेट जानना है तो अल्फ़ाबेट जानने के लिए हम कैर फंक्शन यूज़ करते हैं, इसके अंदर वो नंबर डाल दो जो आपको पता है और एंटर करो. ठीक है, तो ये आपका ओ आर डी एंड कैर हो गया. अब नेक्स्ट आपकी आती है लिस्ट. लिस्ट भी सेम आपका जो अभी हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, सेम टू सेम वैसे ही काम करता है. इन दोनों में अगर डिफरेंस आ जाता है कि लिस्ट और स्ट्रिंग्स में डिफरेंसेस लिखी है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप क्या लिखते हैं इसमें कि भाई स्ट्रिंग जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने लिखा स्ट्रिंग विद सिंगल कॉट और डबल कॉट, और लिस्ट हम कैसे लिखते हैं, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है. ओके और लिस्ट बेसिकली क्या होती है, हम इसका ये एग्जांपल देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको. ओके जैसे मैंने लिखा है माई लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3. ओके सो जैसे अगर हमको एक नाम या एक बोल सकते हो कि कुछ भी एक स्ट्रिंग देना है पूरा, कोई स्टेटमेंट है कोई आपका है ना पूरा सेंटेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा कुछ है तो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे. अगर आपके पास एक ही नंबर है, एक ही नंबर इनपुट देना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीजर देंगे. अगर आपका एक ही नंबर है बट वो फ्लोट टाइप का है तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ कर लेंगे. लेकिन अगर आपका ऐसा है कि 4-5 वैल्यूज़ है, जैसे आपकी स्कूल का कोई रिकॉर्ड है जिसमें आपका नाम भी लिखना है, आपकी क्लास एज सब कुछ लिखना है, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और सबका टाइप भी अलग अलग है. कोई इंटीजर है, एज आपकी इंटीजर में होगी, आपका नाम स्ट्रिंग टाइप का होगा, है ना, आपकी क्लास अगेन इंटीजर में होगी, तो ऐसे डिफरेंट कुछ भी हो सकता है. फाइन, तो उस केस में जब हमारा डेटा ज़्यादा है, डिफरेंट है, उसका टाइप भी डिफरेंट है, तो हम वहाँ पर क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं. समझ में आई मेरी बात, हम लिस्ट कब बनाएंगे. ओके सो लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है. सपोज़ हमने लिखा 1 2 3, है ना, ये जैसे इंटीजर की लिस्ट बन गई. आप चाहते हो कि नहीं इंटीजर प्लस फ्लोट सब कुछ भी चाहिए, तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर लिखा आपने, फिर अपना नाम लिखा, फिर आपने अपनी एज जो भी है ना, तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाते हैं. बस बनाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए डाल दो विद द सेपरेशन ऑफ कोमा. क्लियर है,
ओके सो ये लिस्ट बनाने का तरीका होता है. सो आप इसके डिफरेंसेस भी देख सकते हैं. इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाते हैं. सारे टाइप्स के डेटा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है. एक इसका मेन जो डिफरेंस और एडवांटेज है लिस्ट का, वो ये है कि लिस्ट आर म्यूटेबल. ओके लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है. और स्ट्रिंग्स क्या होती है? इम्यूटेबल है ना. स्ट्रिंग्स को जिसे हम बताते हैं डिफरेंट एड्रेस पे जाके नया बना देता है, वो चेंज नहीं करता है. लिस्ट क्या करता है? ओवरराइड करता है. सपोज आपने 201 एड्रेस पे एक लिस्ट बनाई है ए नाम की, उसमें वैल्यू डाली 1, 2, 3. अब आप सेम वेरिएबल ले रहे हो ए और उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो 5, 6, 7. ओके तो क्या करेगा? सेम एड्रेस पे जाके उस 1, 2, 3 को 4, 5, 6 से क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा. क्लियर हुई मेरी बात? सो लिस्ट जो होती है वो होती है म्यूटेबल, यानी ये चेंज हो सकती है सेम एड्रेस पे, लेकिन स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, वो चेंज नहीं हो सकती. क्लियर? ये हम लिस्ट क्रिएट करते हैं. आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें कुछ ना लिखो, सेम टाइप के डेटा भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप भी आप यूज़ कर सकते हो. फिर आता है एक लिस्ट कॉम्प्रहेंशन. ये बेसिकली क्या होता है कि आपको लिस्ट से ही अगर एक को लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट को उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन. ओके सो हम बेसिकली लिस्ट से लिस्ट कैसे बनाते हैं. सपोज मैंने लिखी एक एक्स लिया है, एक्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी, तो मैं क्या करूँगी? फोर एक्स वेरिएबल लिया है इन रेंज 10 तक मैं उसको रीड करूँ. फॉर लूप तो पता ही है आपको सबको, फॉर लूप पता है पाइथन में? ओके सो फॉर लूप तो तुम कर ही लोगे. फिर उसके बाद हमने क्या किया? तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये इसका टाइप देख लीजिए. न्यू लिस्ट जो भी बनानी है उसका एक्सप्रेशन लिख लीजिए कि मुझे चाहिए कि मेरी जो पुरानी लिस्ट थी जिसमें यहाँ पे फॉर लूप क्या कर रहा है, एक्स के अंदर वैल्यूज़ ले रहा है 1 to 10 मतलब 9 तक, लास्ट नंबर एक्सक्लूसिव होता है. सो हमको नंबर रीड कर रहा है 1 to 9 तक. सो इसमें पहले जाइए इंडेक्स 0, देन 1, देन 2, देन 3 और वो सारे नंबर्स के साथ ये क्या कर रहा है? वापस से यहाँ पे 2 की पावर x कर रहा है, डबल स्टार यानी पावर 2 की पावर x कर रहा है. तो सबसे पहले इसमें x में जाएगा 0 फॉर लूप से, फिर 2 raised to power क्या होगा यहाँ पे? 0. तो आपका आउटपुट क्या होगा? 2 to power 0 क्या होता है? 1. फिर आपका नेक्स्ट क्या है इसमें? 1. तो यहाँ पे क्या आया? 1. 2 की पावर 1 क्या बना? 2. ओके फिर नेक्स्ट आया 3, फिर यहाँ बना 2 की पावर 3. ठीक है, 0, 1, 2. 2 की पावर 3 क्या बना आपका? 8. उससे पहले 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4. तो इस तरीके से इसने इस फोर लूप में यानी एक लिस्ट में से एक और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमको जो भी चाहिए डाल के और हमने क्या किया, एक नई लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें इसकी पावर आ रही है सबकी. सारे आपके लिस्ट के फंक्शंस है जैसे हमने स्ट्रिंग के पढ़े थे. ठीक है, अपेंड क्या करता है? गुड. सो देखिए, ये सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई है b=1, 3, hello, 9. या एंटर किया हमने. अब मैं बी को प्रिंट करवाती हूँ, ये मेरी लिस्ट आ गई है. अब मैं जैसे मैंने स्ट्रिंग के फंक्शंस बताए थे ना आपको यहाँ डायरेक्ट करके, मैं वही सब यहाँ सब एक साथ बता रही हूँ आपको. ये हमने लिस्ट बना ली बी नाम से. अगर मैं करती हूँ बी, अब देखो फंक्शंस मैंने लगाना कैसे सिखाया था. फंक्शन हमेशा ऐसे लगते हैं जिस वेरिएबल पे लगाना है, डॉट ऑपरेटर के साथ फंक्शन का नाम. फंक्शन में क्या करना है? अपेंड करना है. ओके अब मुझे सपोज अपेंड करना है तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखूंगी? जो भी मुझे अपेंड करना है, मुझे अपेंड करना है 1. एंटर. अब मैं बी देखूंगी तो मेरा क्या आएगा? देखिए आप, 9 के आगे आ गया 1. ओके तो हम लिखते हैं बी डॉट, फिर फंक्शन हमने किया अपेंड. और क्या अपेंड करना? अपेंड मतलब होता है सबसे लास्ट में जाके लगा देना. ठीक है, क्या लगाना है? 1. सो 1, 3, hello, 9 और लास्ट में जाके क्या लग गया आपका? 1. क्लियर है? ओके सो ये हमारा हो गया अपेंड फंक्शन. वैसे ही होता है इंसर्ट. इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? इसके अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करेगा. ऑब्वियसली इंसर्ट फंक्शन है तो सो बी डॉट है ना, मैंने इंसर्ट किया. देखो अपेंड तो क्या कर रहा था कि फिक्स है, लास्ट में जाके डालेगा, लेकिन इंसर्ट क्या करता है? आप किसी भी प्लेस पर डाल सकते हो. ओके या आपको चाहिए 1 के बाद डालना है, 3 के बाद, या इसकी प्लेस पे कहीं भी डाल सकते हो. इंसर्ट कहीं भी कर सकते हो. सो इंसर्ट, अब आपको पोजीशन पता होनी चाहिए किस पोजीशन पे आप करना चाह रहे हैं. तो इसमें भी जैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है, सेम इंडेक्सिंग होती है. ये फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स माना जाता है, सेकेंड 1, देन 2, देन 3. तो इसमें कितने हैं? ये 0 इंडेक्स 1 पे है, 3 2 पे है हेलो, और 3 पे कौन है आपका? 9. ये इस तरीके से इंडेक्स करता है कोमा से सेपरेट करके. ओके तो अब मुझे इंसर्ट करना है सपोज इस प्लेस पे, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे. ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स. सो फर्स्ट इंडेक्स तो पहले हम लिखते हैं पोजीशन कोमा, और उस पोजीशन पे क्या एलिमेंट डालना है? सपोज मुझे डालना है 54 अब. ओके तो हम एंटर करेंगे. अब मैं बी को डालती हूँ वापस. देखिए चेंज हो गया.
क्योंकि हमने क्या इंसर्ट किया, हमने फर्स्ट इंडेक्स पे 54 को इंसर्ट किया, तो हमारी जो ये ज़ीरो है फर्स्ट इंडेक्स पे 54 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट्स अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3 आगे शिफ्ट हो गया और 2 पे कौन आ गया, सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 54 आ गया, क्लियर है। ओके वैसे ही आपका पॉप होता है, पॉप सेम इंडेक्स इंसर्ट जैसे काम करता है, आप यहाँ फंक्शन लिखेंगे पॉप और कौन सी इंडेक्स पे आपको डिलीट करना है, तो वही पॉप इंडेक्स का नाम एंड सिर्फ आपको यहाँ इंडेक्स का नाम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो क्या करेगा, डिलीट ही करना है उसको, तो नया एलिमेंट तो उसको चाहिए नहीं, तो हमारे यहाँ पे पॉप के साथ क्या हो गया बी डॉट पॉप और इंडेक्स का नंबर सपोज लिखा 1 तो उस जगह से उसको वो हटा देगा, क्लियर है। वैसे ही आपका मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम क्या करता है इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको निकाल के देगा, मिनिमम क्या करेगा जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो निकाल के देगा। ओके और देखो अगर आपका इंडेक्स आपकी लिस्ट ऐसी हुई जिसमें स्ट्रिंग भी हुआ तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन शायद वर्क ना करे, एक बार हम करके चेक कर लेते हैं, बिकॉज वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं हेलो को कैसे कंपेयर करूँ, ये तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो उस टाइम पे ये रन नहीं होता है। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन हम कब लगा सकते हैं, जब सारे ही क्या हो हमारे नंबर्स हो जिनको हम कंपेयर कर पाए, जैसे मैंने लिखा बी डॉट मैक्सिमम, ओके हमें चेक करना है मैक्सिमम किसका, ओके बी डॉट मैक्सिमम एंटर, तो ये इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, व्हाई बिकॉज यहाँ पे हेलो को ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है ना। ओके हेलो को इन नंबर्स के साथ ये कंपेयर नहीं कर, अगर हेलो स्ट्रिंग नहीं होता तो ये इनको कंपेयर करके हमें मैक्सिमम नंबर ला के दे देता। ओके फाइन अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, इस पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यानी 1 to यहाँ पे 9 है लास्ट में, तो अब हमको कैसे दे देगा 1 9 उल्टा कर देगा। बी हमने लिखा बी डॉट रिवर्स, ओके अब हमने इसको रिवर्स किया, देखो रिवर्स हो गई, उल्टी प्रिंट हो जाएगी 1 9 हेलो 354 एंड 1, क्लियर। ओके ऐसे ही हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लिख रहे हैं बी और आपने लिखा यहाँ पे 0, क्लियर, तो ये क्या करेगा, 0th इंडेक्स पे आपका कौन सा एलिमेंट है वो निकाल के देगा, तो आपने एंटर किया तो 0th इंडेक्स पे आपका कौन सा एलिमेंट है 1 दे दिया। अब आपको इसका वाइस वर्सा केस उल्टा करना है कि आपको एलिमेंट पता है कि हेलो पता है और आपको पता करना है कि इसकी इंडेक्स क्या है मेमोरी में, आपने बहुत सारी लिस्ट बना दी बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दे, अब आपको चाहिए कि मैंने हेलो कहीं बनाया था अब उसकी इंडेक्स क्या आपको वो पता करनी है, तो हम उसको कैसे पता करते हैं इंडेक्स फंक्शन के थ्रू, तो आप लिखेंगे बी डॉट इंडेक्स फंक्शन लिखिए यहाँ पे लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर किसकी इंडेक्स पता करनी है हेलो की, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको हेलो की पता करनी है, ठीक है, तो इंडेक्स देगा हेलो की, आगे 2 0 1 2। ओके सो इंडेक्स पता करनी होती है एलिमेंट की, देन वील यूज इंडेक्स फंक्शन, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो एट वॉट इंडेक्स द वैल्यू इज देन यू हैव टू डू सिंपली दिस। ओके B0 B1 एटसेट्रा। थैंक यू।